कॉलीफ्लावर और आलू तो मुझे दिख गया है, वेजिटेबल्स बहुत सारी पड़ी है। रोज़ पेटल को ऊपर से स्प्रिंकल करके बहुत अच्छा ड्रेस किया गया है। अरे क्या करूँ मैं इसका। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हंग्री टाइम 90। और आज देखो, मैंने जैसा वादा किया था, अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया होगा, देखा होगा, आपको पता होगा कि सीरीज शुरू होने वाली है और हो चुकी है। और बरेली में इंस्टाग्राम के बाद यूट्यूब पे एक नई कुछ फ्रेश कंटेंट लेके आए हैं और आज शुरुआत कर रहे हैं कहाँ से, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बरेली की सबसे सुंदर मिठाई की दुकान से। कहाँ? अजंता से, वो भी नई वाली। कौन सी नई वाली ये बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ आए हैं इस बार फॉलोअर हमारे। नाम बताओ पहले तो। मेरा नाम आदित्य रस्तोगी है। आप कौन सी लोकेशन पे हैं? अभी हम खड़े हैं रामपुर गार्डन में, अजंता विकास भवन वाली रोड पे जो है, अजंता पर। और यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं दो ऐसी डिश, जो एक है मेरी पसंद की, एक है इनकी पसंद की। इनसे पूछ लो इनकी पसंद की खिलाई जा रही है या नहीं। जी जरूर, अरे क्यों नहीं। क्या क्या खा रहे हो तुम? तंदूरी रसमलाई। और मैं खा रहा हूँ वेज बिरयानी, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है। डिमांड मेरे पास पास्ता और सैंडविच की भी आई थी, लेकिन वो मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको फुल कवरेज दिया था, वो वहाँ पे मैं उसको दिखा चुका हूँ। कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, आप वो ब्लॉग भी ज़रूर देखना। और ये सीरीज में आप जुड़ जाओ। कैसे जुड़ना है? DM करना इंस्टाग्राम पे, मैं स्टोरी लगाता रहूँगा, लोकेशन बताता रहूँगा। पहले ही बता दी थी लोकेशन, है ना? हाँ जी। अपना कोई चैनल वगैरह? हाँ, मेरा चैनल है आदित्य रस्तोगी व्लॉग्स नाम से, आप उसको भी चेकआउट करना और सब्सक्राइब कर देना। भाई भी व्लॉग करते हैं तो मजा आने वाला है। हाँ जरूर, सिस्टम पार देंगे। देखो भाई, बिरयानी गरम गरम ये निकल रही है। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं खाने के लिए। पहला टेस्ट करेंगे ये, आप ट्राई करो बिरयानी, ट्राई करो और बताओ कैसा है। हाँ तो गाइस, टेस्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है वेज बिरयानी का। और भाई डेकोरेट भी काफ़ी अच्छे से करी हुई है, रोज पेटल्स से और बाकी लीव्स वगैरह, और लिटरली अच्छा टेस्ट है। मतलब कॉलीफ्लावर और आलू तो मुझे दिख गया है, वेजिटेबल्स बहुत सारी पड़ी है। रोज पेटल को ऊपर से स्प्रिंकल करके बहुत अच्छा ड्रेस किया गया है। अरे क्या करूँ इसका। चलो पहली उसने पनीर आ गया मेरे में, तो एंजॉय करते हैं। जो मसालों का बैलेंस है ना, वो बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे टिपिकल जैसे हम लोग चिकन बिरयानी वगैरह खाते हैं ना, एब्सोल्युटली वही वाला एक फ्लेवर आ रहा है, कि इसमें वेजिटेबल के साथ साथ होते हुए बिल्कुल उस लेवल का मसाले को मैच करना बहुत नेक्स्ट लेवल है। और मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे जो बिरयानी पसंद लगता है वो है इसके ऊपर जो ये अनियंस डलती, फ्राइड अनियंस, वो मैं 99% जगह जो वेज बिरयानी बनाते हैं वो मैं मिस करता हूँ। ये टेस्ट को इन्हांस कर देता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। रायता अच्छा लग रहा है यार, भी टेस्ट इसलिए अमेजिंग। और ये ग्रेवी दी गई है इसके साथ, हार्डली स्ट्रीट पे जो कंपेयर करोगे, स्ट्रीट से कंपेयर मत कर लेना, ये अलग लेवल है बिल्कुल, क्योंकि तो भाई ये क्वालिटी है। बहुत ज़्यादा अच्छा ये कीवी, वही तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा। प्राइसेस जो भी होते हैं मैं हमेशा बताता हूँ, स्क्रीन पे आता रहेगा और डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। बहुत रिफ्रेशिंग। अब तुम ट्राई करो, वो मोहितो भी ट्राई करो। अरे ये फुल नहीं है, हाफ है, मुझे लगा फुल होगी, बट हाफ के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा, 100 रुपये में यार बहुत अच्छा है। ये हम खाते रहेंगे,
तो उससे पहले आपको दिखा देते हैं मीठे में भी कुछ आया है, भाई का भी तो कुछ ख्याल रखना है। बिरयानी तो मेरे चॉइस था, भाई का ख्याल रखना है भैया, तो कहेगा कि यार मेरा मन कर रहा है बिरयानी ज़बरदस्ती खिला रहे हो, तंदूरी रसमलाई का मज़ा आ रहा है, तो भाई तुम एक बार अपनी तंदूरी रसमलाई ट्राई ज़रूर करो। नॉर्मल रसमलाई से लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है मतलब, हाँ। और बाकी सब कुछ मेंटेन है, ज़्यादा मीठी भी नहीं है, बढ़िया हाँ। लग रही है, बढ़िया लग रही है। ये भी ट्राई करो। ओके तो ये भी काफ़ी अच्छी है मतलब, काफ़ी अच्छी है। जब भी आए तो ज़रूर से अगर स्वीट ट्राई करनी है तो दोनों में से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। छेना पूड़ी बहुत अच्छा है, इसमें छेने का रबड़ी का बहुत अच्छा टेक्सचर दोनों मिल के आ रहा है और स्वीट बैलेंस बहुत अच्छा है इसका, प्योर फ्लेवरफुल बहुत अच्छा बहुत ठीक। और मेरा एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा है, मैं जो भी खा रहा हूँ जो भी चीज़ ट्राई कर रहा हूँ वो मुझे बहुत पसंद आता है। इसके अलावा जो मैं यहाँ पर रेगुलरली आके खाता रहता हूँ वो एक तो यहाँ की टिक्की बहुत पसंद है मुझे, फैमिली मेरी पर्सनली बहुत खाती है यहाँ पर, वो दही के गोलगप्पे ऑसम है यार, यहाँ के ऑसम, आप ट्राई करना, ये मैं सजेशन दे रहा हूँ। तंदूरी रसमलाई, हाँ आपने तंदूरी रसमलाई ट्राई करी है तो अपना एक्सपीरियंस या कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लग रही है ये भी आपको बताना पड़ेगा। ऐसा होता रहता है, तुम नए हो तुम्हें नहीं पता है वो जानते ये बहुत ऑसम है, रसमलाई का कुछ अलग ही फ्लेवर है। मेरे को यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है, कोल्ड कॉफ़ी अच्छी लगती है, कोल्ड कॉफ़ी मतलब मैकडी के जैसा ही बिल्कुल सेम टेस्ट है, लगभग यहाँ का बहुत अच्छे यार, ये भी बढ़िया है। और फ्रूट रबड़ी खूब सारे कस्टर्ड की तरह लग रहा है लेकिन है फ्रूट, यार डेजर्ट अच्छे हैं नो डाउट टेस्टी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है फ्रूट्स के साथ, एक अच्छा कॉम्बिनेशन। रबड़ी तो हम लोगों ने अक्सर खाई है लेकिन फ्रूट के साथ फ्रूट नहीं खाई होगी। आपको ये वाला जो कंटेंट है कॉन्सेप्ट है वो कैसा लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ मैं पूरी तरीके से वेलकम हूँ, सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, रैंडमली मैं चूज़ कर रहा हूँ लोगों को, और उन लोगों के लिए थैंक यू जिन्होंने मुझे DM किए हैं ऑलरेडी कि पहले ही दिन आपने 100 से भी ज़्यादा लोगों ने मुझे मैसेज किया और मेरी वीडियो में आने के लिए उन्होंने अपने आप को मतलब इतना बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेज आए जो मैं सच में इनको शॉर्ट लिस्ट होने के बाद भी मेरे पास बहुत तुमसे भी अच्छे मैसेज आए थे बट एक बार ये कमिटमेंट होता है मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता चूज़ कर लिया था, फिर भाई बात की बात होती है, तो मैं ले आया। पर उन लोगों को मैं जिनको मैं कह चुका हूँ कि मैं लाऊंगा आपके लिए कंटेंट बहुत अच्छा सोच के रखा हुआ है, आपकी जो भी पसंद की चीज़ होगी उसके हिसाब से बुलाऊंगा। बाकी लगे रहो, मज़ा आ रहा है सीरीज़ में, ये पहला है, इसके बाद 50 तक जाना है, उसके आगे कंटिन्यू हो सकता है ये बाद में देखेंगे। नाउ टारगेट इज, और इसका नाम है इस सीरीज का बरेली 50 जगह 50 लोग मेरे साथ खाएंगे 100 डिशेस, एक उनकी पसंद की एक मेरी पसंद की, और बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना आपको क्या खाना देखना है, कहाँ का देखना है, आप जहाँ बताओगे हम जाएंगे और खाएंगे जैसे ये सब खा रहे हैं। ओके बाय, मिलते हैं आके आपसे खाने के बाद। हाँ, और लाइक सब्सक्राइब से वो कर देना यार।